बात करें महंगाई की तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह 37% से ज़ायद हो गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.1% इजाफा हुआ है और एक हफ्ते के दौरान चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और दूध समेत 19 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए हैं। LPG का घरेलू सिलेंडर 98 रुपये महंगा हो गया। 45,000 रुपये तक आमदन वालों के लिए 36 और इससे ज़ायद आमदन वालों के लिए महंगाई 33% तक बढ़ी है। मुल्क में महंगाई से आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, बताएंगे नुमाइंदा GNN असगर हयात। आज ही मुल्क भर में महंगाई उरूज पर है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा हुआ है और महंगाई की मजमू शरह 37.07% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आम मार्केट की अगर बात करें तो एक हफ्ते के दौरान आम मार्केट में जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मैं यहाँ पर मार्केट में मौजूद हूँ, शहरी मौजूद हैं, उन्होंने कुछ अशिया खरीदी हैं। इनसे पूछते हैं, ये बताइएगा कि जो चीज़ें आपने खरीदी हैं, छोटा सा एक शॉपर आपने पकड़ा हुआ है, तो कितने की ये अशिया आई हैं और क्या कहेंगे महंगाई? जनाब, ये जो मेरे पास शॉपर है ये तकरीबन 1,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा है। वो अदरक, लहसुन, अब ये पहले तो सोचते थे कि जी ये कोई गोश्त मुर्गी खा लेंगे, तो अब तो ये सब्ज़ी की हालत है, ये मुश्किल होगी ख़रीदना, तो गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है सब कुछ। जी आपने देखा कि जो ये शहरी हैं 1,000 रुपये का इन्होंने ये थोड़ा सा अदरक है, लहसुन है, मिर्चें हैं और कुछ जो है दीगर सामान है इन्होंने खरीदा और 1,000 रुपये में ये सामान इन्होंने खरीदा है। जी